नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार प्रजापति स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल टिकी स्टडी जोन में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी को समझने से पहले इसके बेसिक समझ लेते हैं। दोस्तों जैसे आपका जो मॉलिक्यूल होता है और एटम होता है, मॉलिक्यूल दोस्तों आपके एटम से मिलकर बना हुआ होता है। यहाँ देखिए, यह फ्रेंड्स मॉलिक्यूल को हम हिंदी में बोलते हैं अणु और एटम को हिंदी में बोलते हैं परमाणु। ठीक है फ्रेंड्स, मॉलिक्यूल जो होता है आपका कई अणुओं से मिलकर बना होता है या फिर कई परमाणुओं से मिलकर बना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए जो आपका बेसिक है वो है आपका एटम या फिर परमाणु। एक परमाणु दोस्तों तीन तरह के आपके पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटोन और न्यूट्रॉन फंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटोन और न्यूट्रॉन, अब फिर से समझिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटोन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है एटम या फिर परमाणु, परमाणु या फिर एटम से मिलकर बना होता है आपका मॉलिक्यूल या फिर अणु, और इनसे मिलकर बना होता है कोई आपका ऑब्जेक्ट या फिर कोई आपका कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु, कोई भी सब्सटेंस। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए उसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा फ्रेंड्स, ये जो है आपका, ये मैंने आपका दिखाया हुआ है यहाँ पे, ये पूरा एक एटम है दोस्तों, और ये आपके जो सेंटर में है ये क्या दोस्तों, ये है आपका न्यूक्लियस जिसको हम बोलते हैं केंद्रक। ठीक है फ्रेंड्स, उसको हम बोलते हैं केंद्रक या फिर हम बोलते हैं न्यूक्लियस। अब ठीक फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि न्यूक्लियस के जो सराउंडिंग में वो क्या है आपके इलेक्ट्रॉन्स रोटेट कर रहे हैं। क्या रोटेट कर रहे हैं फ्रेंड्स? इलेक्ट्रॉन्स। आप देख सकते हैं ये पूरा एटम है और ये जो डॉट में मैंने दिखा रखा है ये फ्रेंड्स क्या आपके इलेक्ट्रॉन्स है जो इसके चारों तरफ रोटेट करते रहते हैं फ्रेंड्स, और इन पर नेगेटिव चार्ज होता है फ्रेंड्स। ये क्या होता है, इन पर नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटोन पर दोस्तों आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, यहाँ पे मैंने दिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन पर आपका पॉजिटिव चार्ज। ठीक है फ्रेंड्स, और जो न्यूट्रॉन होता है फ्रेंड्स ये कैसा होता है आपका, न्यूट्रल होता है। न्यूट्रॉन कैसा होगा फ्रेंड्स, ये होगा आपका न्यूट्रल। तो आपको यहां से ये याद रखना है फ्रेंड्स, ये चार्ज भी पूछ ले जाते हैं कि किस पर नेगेटिव चार्ज होता है, किस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये मैं रिपीट कर देता हूँ, इलेक्ट्रॉन, प्रोटोन, न्यूट्रॉन से मिलकर आपको बनता है एटम, एटम से मिलकर बनता है आपका अणु। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसका स्ट्रक्चर है। अब इसमें देखिए दोस्तों, ये जो आपका इलेक्ट्रिसिटी के अंदर करंट होता है, ठीक है फ्रेंड, करंट दो तरह का होता है। उसको समझने से पहले मैं आप ये देख लीजिए कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मैंने यहाँ पे तीनों लिखे हुए हैं फ्रेंड्स। ये जो तीनों हैं यहाँ पर क्या क्वेश्चन आता है वो देख लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, उसकी डिस्कवरी किसने की, प्रोटॉन की खोज किसने की, न्यूट्रॉन की खोज किसने की। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन की खोज की थी थॉमसन ने, जिसका पूरा नाम जे जे थॉमसन है। प्रोटॉन की खोज की थी रदरफोर्ड ने, और न्यूट्रॉन की खोज की थी आपके चैडविक ने फ्रेंड्स। देखिए इसको याद करने की एक ट्रिक है, ईंट पर नाच, ईंट पर नाच। आप फिर से देख लीजिए, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ईंट पर नाच। आपको एज्यूम करना है कि आप ईंट पर नाच रहे हैं, किसी को कह रहे हैं ईंट पर नाच। सो ई फॉर इलेक्ट्रॉन, टी फॉर थॉमस, पी फॉर प्रोटोन, आर फॉर रदरफोर्ड। ठीक है फ्रेंड, ये देख लीजिए, ई आपका ये इलेक्ट्रॉन, टी थॉमसन, पी प्रोटॉन, आर रदरफोर्ड, एन न्यूट्रॉन, सी चैडविक। तो आपको यहां से क्या हो जाएगा दोस्तों, आपके ऑप्शंस में जब इनके नाम होंगे तो आप इजीली अपना आंसर को टिक कर पाएंगे फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, अभी इसी को और आप समझिए, जो आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन का कितना द्रव्यमान होता है। दोस्तों मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को इस तरह से हम सिंबल दिखाते हैं, ई और उसके ऊपर नेगेटिव साइन, इसको हम पढ़ेंगे दोस्तों। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। ठीक है फ्रेंड्स, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, मास ऑफ एन हाइड्रोजन एटम को डिवाइड कर दो 1840 से। मतलब कि जो हाइड्रोजन एटम में के एक एटम में जितना मास होगा दोस्तों, उसको भी आप डिवाइड कर दीजिए 1840 से, उतना होता है आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब आप यहां से आइडिया लगा सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन आपका कितना लाइट वेट होता है, लगभग नेग्लिजिबल होता है, इसके अंदर कोई मास ही नहीं होता, ना के समान मास होता है। तो मास ऑफ हाइड्रोजन एटम को आप डिवाइड कर देंगे 1840 से, तो आपको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा दोस्तों। इसी तरह से जब आप बात करेंगे मास ऑफ प्रोटॉन की, तो इलेक्ट्रॉन के मास का 1845 गुना, यानी कि मास ऑफ प्रोटॉन निकालना है तो मास ऑफ प्रोटॉन विल बी इक्वल टू दी 1845 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी नोन एज मास ऑफ प्रोटॉन। आप समझिए कि मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, कि इलेक्ट्रॉन का जो मास है उसको 1845 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको मास ऑफ प्रोटॉन मिल जाएगा दोस्तों।
और दोस्तों मास ऑफ प्रोटॉन विल बी इक्वल टू दी मास ऑफ न्यूट्रॉन। देखिए यहाँ पे जो दिखाया गया दोस्तों, प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास जो होता है वो दोनों का इक्वल होता है। यहाँ पे मैंने शो कर रखा है दोस्तों, मास ऑफ प्रोटॉन विल बी इक्वल टू दी मास ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से आपको ये याद रखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन इन दोनों के कंपेरिजन में बहुत लाइट वेट होता है। कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि जो मैक्सिमम इस एटम का जो वेट है वो यहाँ पर केंद्रित है। क्यों? क्योंकि ये तो नेग्लिजिबल वेट है, और प्रोटॉन का न्यूट्रॉन का जो आपका वेट है वो जो मास है वो ऑलमोस्ट इक्वल है, तो यहाँ के सारा जो वेट होगा वो दोस्त यहीं पे होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहीं पे हम एक और बात करते हैं कि अगर ऐसा पॉसिबल हो जाए कि सभी एटम में से उसके न्यूक्लियस को निकाल के कहीं कलेक्ट कर लिया जाए तो ये दोस्तों बहुत ही ज्यादा हैवी हो जाएगा, इसकी डेंसिटी बहुत ही ज्यादा हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी तो हमने इसके बारे में बात की, तो फ्रेंड्स अभी हम बात करते हैं इसके बारे में। अब देखिए आपको दोस्तों, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन समझ में आया, इन दोनों इनके साइंटिस्ट समझ में आए, और इनका वेट समझ में आया। ठीक है फ्रेंड्स, अब इनपे वेट को जब आप समझ लेते हैं तो इसके बारे में हम बात करते हैं एसी और डीसी की। आपने एसी और डीसी सुना होगा। एसी की फुल फॉर्म होती है दोस्तों अल्टरनेट करेंट। क्या होती है फ्रेंड्स, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस बना रहा हूँ आपको समझाने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने बात की एसी की, एसी को हमने बोला दोस्तों अल्टरनेट करेंट। उसी तरह से हम डीसी को बोलते हैं डायरेक्ट करेंट। अब देखिए दोस्तों, अल्टरनेट करेंट और डायरेक्ट करेंट में थोड़ा सा जो डिफरेंस है वो क्या है, आपको मैं एक ग्राफ की हेल्प से यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ फ्रेंड्स। ये देखिए, यहाँ पे मैंने ये वाला फिगर बनाया हुआ है जिसमें आपको ये दिख रहा होगा ये फिगर। ठीक है फ्रेंड्स, पहले आप फुल फॉर्म देख लीजिए। एसी की होती है आपकी अल्टरनेट करेंट, ठीक है फ्रेंड, ए से अल्टरनेट, सी से करेंट, और डीसी की होती है फ्रेंड्स डायरेक्ट करेंट, अब देखिए फ्रेंड्स, जहां पे ग्राफ की हेल्प से आप समझने की कोशिश कीजिए, एसी जो है वो आपका कैसे ट्रेवल कर रहा है साइन वेव में। एसी जो है आपका, एसी अल्टरनेट करेंट, वो कुछ इस तरह से आपका जो है आपका मूव करता है। तो फ्रेंड्स ये आप देख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं साइन वेव, ठीक है फ्रेंड्स, इसको हम बोलते हैं इस तरह की जो मोशन है उसको बोलते हैं साइन वेव। तो अल्टरनेट करंट आपका इस तरह से मूव करता है और डायरेक्ट करंट आपका इस तरह से मूव करता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसीलिए हम कहते हैं कि जो डीसी करंट होता है वो मोर डेंजरस होता है एज कम्पेयर टू एसी। डायरेक्ट करंट हमारे लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है, ये आपको चांस नहीं देता बचने के लिए। वो कैसे फ्रेंड्स, देखिए डीसी करंट जो हमेशा फ्लो करता रहता है, आप किसी भी पॉइंट पर टच करेंगे तो आपको करंट लगेगा ही लगेगा। यहाँ पे क्या फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि एक टाइम पे जो आपका करंट है उसकी वैल्यू पीक तक जा रही है, फिर कम हो रही है, फिर बढ़ रही है, फिर कम हो रही है, तो यहाँ पे आपके बढ़ने के चांस ज्यादा रहते हैं फ्रेंड्स। ये जो फ्रेंड्स हमें जो कर्व मिल रहा है इसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है फ्रेंड्स, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं इसको। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है उसको समझ लीजिए। यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने लिखा है फ्रीक्वेंसी ऑफ डीसी। देखिए फ्रेंड्स, फ्रीक्वेंसी का मतलब आप सरल भाषा में ऐसे समझ लीजिए कि इंडिया में मान लीजिए आप अपनी इलेक्ट्रिसिटी से एक बल्ब को ऑन कर रहे हैं। बल्ब जब आपका रनिंग मोड में है फ्रेंड्स, तो वो एक सेकंड के अंदर 50 टाइम्स ऑन ऑफ हो जाता है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मान लीजिए आपका बल्ब जो है वो ऑन है, स्विच उसका ऑन है, तो एक सेकंड के अंदर बल्ब आपका 50 टाइम्स ऑन और ऑफ हो रहा है, बंद और चालू हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो 50 टाइम्स आपका बल्ब ऑन और ऑफ हो रहा है विद इन ए वन सेकंड। आप उसको जज नहीं कर पाते, अपनी आंखों से देख नहीं पाते दोस्तों, क्योंकि हमारी जो आई की कैपेबिलिटी है वो इतनी नहीं है कि हम अपनी आंखों से ये अज्यूम कर सकें कि वो विद इन ए वन सेकंड 50 टाइम्स ऑन ऑफ हो गया। वो क्यों ऑन ऑफ हो रहा है फ्रेंड्स, क्योंकि उसका कर्व इस तरह से चलता है, एक बार आपको करंट मिलेगा, फिर नहीं मिलेगा, फिर मिलेगा, फिर नहीं मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ डीसी मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ डायरेक्ट करंट वो कितनी होती है, जीरो। ये लिखा हुआ है फ्रेंड्स हर्ट्ज, ये आपकी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी को मेजर करने की यूनिट होती है। क्या होती है फ्रेंड्स, हर्ट्ज, ये लिखा हुआ है हर्ट्ज, इसको आप हिंदी में इस तरह से लिखते हैं हर्ट्ज। ठीक है फ्रेंड्स, ये हर्ट्ज, इसको शॉर्ट में इस तरह से डिनोट करते हैं कैपिटल एच और जेड से। ठीक है फ्रेंड्स, तो डीसी की फ्रीक्वेंसी होती है हमारी जीरो हर्ट्ज और एसी की होती है फ्रेंड्स 50 हर्ट्ज। यहीं पे मैंने आपको समझाया कि एक बल्ब आपका एक सेकंड के अंदर 50 टाइम्स ऑन ऑफ हो रहा है। फ्रेंड्स ये जो 50 हर्ट्ज है आपकी फ्रीक्वेंसी, वो इंडिया के अंदर है, डेवलप्ड कंट्री में ये फ्रीक्वेंसी आपकी
80 के आसपास होती है, मतलब कि उनकी फ्रीक्वेंसी हमसे ज्यादा है, मीन्स उनकी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो उसकी पावर जो है वो हमसे बेटर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से आप यहाँ आपने देखा इस चीज के बारे में, कंडक्टिविटी के बारे में। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हम देखते हैं कंडक्टर, इंसुलेटर और आपका सेमी कंडक्टर। वो देखिए फ्रेंड्स वो क्या होते हैं, आपको ये समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। अब जो हमारे कंडक्टर होते हैं, कंडक्टर का मतलब होता है वो आपके ऑब्जेक्ट जो अपने अंदर से आपके इलेक्ट्रिसिटी को पास हो जाने दें, उन्हें हम क्या कहते हैं, कंडक्टर, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए देखिए मान लीजिए यह मेरा मार्कर है दोस्तों, इसके अंदर से अगर मैं करंट पास कराना चाहूंगा तो वो नहीं होगा फ्रेंड्स। इस पॉइंट पे मैं करंट देगा वो इस पॉइंट पे मुझे नहीं मिलेगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि ये क्या है आपका, इंसुलेटर है, मतलब करंट को पास नहीं करेगा। अब यहाँ पे दो चीजें होती है दोस्तों, तीन चीजें। एक होता है दोस्तों आपका कंडक्टर, ये होता है आपका कंडक्टर, इसको हम बोलते हैं चालक। ठीक है फ्रेंड्स, एक होता है आपका सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर इसको हम बोलते हैं फ्रेंड्स अर्धचालक, अर्धचालक। ठीक है फ्रेंड्स, एक होता है आपका इंसुलेटर, क्या होता है फ्रेंड्स, इंसुलेटर, आप इसको बैड कंडक्टर भी बोल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बैड कंडक्टर। तो यहाँ पे हमने तीन चीजें देखी। देखिए दोस्तों, कंडक्टर, कंडक्टर को हिंदी में बोलते हैं हम चालक, सेमी कंडक्टर अर्धचालक, इंसुलेटर होते हैं दोस्तों कुचालक। ठीक है फ्रेंड्स, इसको हम हिंदी में बोलते हैं कुचालक। अब इसको समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों, दोस्तों वो मटेरियल या वो ऑब्जेक्ट जो अपने अंदर से करंट को पास होने दें, उन्हें हम कहते हैं दोस्तों कंडक्टर या फिर चालक। फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स, देखिए एल्यूमिनियम है, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है। ठीक है फ्रेंड्स, ये है आपका एल्यूमिनियम, ये है फ्रेंड्स आपका एल्यूमिनियम, जैसा कि नाम से दिख रहा है ये है आपका कॉपर और ये है दोस्तों आपका गोल्ड। ठीक है फ्रेंड्स, ये है आपका गोल्ड और ये है आपकी सिल्वर, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं चांदी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इलेक्ट्रिसिटी के बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे एक क्वेश्चन भी आता है कि विच वन ऑफ द मोस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अर्थात इन चारों में से इलेक्ट्रिसिटी का सबसे अच्छा कंडक्टर कौन सा है दोस्तों, कई बार आपको बताने के लिए आता है। देखिए सबसे अच्छा कंडक्टर होता है दोस्तों इसमें आपका, ये आपका सिल्वर। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे अच्छा जो कंडक्टर है आपका वो कौन सा है, सबसे अच्छा आपका सिल्वर। इसके बाद है दोस्तों, इससे कम थोड़ी सी कंडक्टिविटी होती है गोल्ड की, उसके बाद दोस्तों होती है आपकी कॉपर की, देन आपकी एल्यूमिनियम की। यही चार ऑप्शन आते हैं आपके कंडक्टिविटी पे बेस्ड, वो पूछता है कि किसकी ज्यादा कंडक्टिविटी है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपसे इन दोनों में कंपेरिजन पूछता है तो आपको याद रखना है कि कॉपर की ज्यादा कंडक्टिविटी है एज कम्पेयर टू एल्यूमिनियम। कैसे याद रहेगा दोस्तों, C4 कॉपर, C4 कॉस्टली, कॉपर कॉस्टली है जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स कंडक्टिविटी, कॉपर ज्यादा कंडक्टिव है इसलिए ये कॉस्टली है। ठीक है फ्रेंड्स, तो एल्यूमिनियम से ज्यादा कंडक्टिविटी कॉपर की, कॉपर से ज्यादा गोल्ड की और उससे ज्यादा फ्रेंड्स सिल्वर की। तो हम यहाँ बात कर रहे थे कंडक्टर की, कंडक्टर या फिर गुड कंडक्टर ये होते हैं दोस्तों ये। ठीक है फ्रेंड्स, आपका जो आयरन है वो भी अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कंडक्टर है। अब देखिए फ्रेंड्स सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर क्या होते हैं, वो कंडक्टर जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने दें बट पार्शियली पास होने दें, थोड़ी सी पास हो थोड़ी सी ना पास हो, पूरी तरह से करंट आपका फ्लो ना कर पाए, दीज आर नोन एज सेमी कंडक्टर। जैसा कि आपको नाम में दिख रहा है अर्धचालक, मतलब पूरी तरह से चालक नहीं है, अर्धचालक है दोस्तों। इसका एग्जाम्पल होता है जैसे सिलिकॉन, ठीक है फ्रेंड्स, जर्मेनियम। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपसे पूछ लिया जाता है कि आप सेमी कंडक्टर के एग्जाम्पल बताइए। देखिए दोस्तों, कंडक्टर के और इंसुलेटर के जो एग्जाम्पल है वो हमें इजीली याद रहते हैं, बट सेमी कंडक्टर के हमें याद जनरली नहीं रहते हैं। तो आपको याद रखना है S फॉर सेमी कंडक्टर, S फॉर सिलिकॉन, ठीक है फ्रेंड्स, और ये आपका जर्मेनियम, ये आपको दोनों याद रखने हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम। इंसुलेटर क्या होता है फ्रेंड्स, इंसुलेटर या फिर बैड कंडक्टर जिन्हें हम कहते हैं कुचालक, वे पदार्थ, वे सब्सटेंस जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते, जैसे फ्रेंड्स प्लास्टिक है, रबड़ है। ठीक है फ्रेंड्स, आप इसके बहुत सारे एग्जांपल हैं, प्लास्टिक हो गई आपकी, रबर हो गई, वुडन हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या है आपके बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कह लीजिए या फिर इलेक्ट्रिसिटी कह लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे देखिए कि कंडक्टिविटी का टेम्परेचर पे क्या फर्क पड़ता है या फिर टेम्परेचर का कंडक्टिविटी पे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, मान लीजिए मेरे पास एल्यूमिनियम है, कॉपर है, गोल्ड है, सिल्वर है, अगर मैं इनको हीट करूं तो फ्रेंड्स पे कंडक्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा दोस्तों।
टेम्परेचर जब आप बढ़ाओगे तो कंडक्टिविटी आपकी बढ़ती है। ठीक है फ्रेंड्स, टेम्परेचर जब आप बढ़ाएंगे तो कंडक्टिविटी बढ़ती है। कैसे समझने की कोशिश कीजिए, देखिए फ्रेंड्स, जैसा आपने हीटर यूज करा होगा, इसके अंदर जो कॉइल्स होती हैं फ्रेंड्स, और आपने बल्ब के अंदर देखी होंगी, बल्ब के अंदर जो कॉइल्स होती है, इस तरह की कॉइल होती है, तो ये किसकी बनी होती है फ्रेंड्स, टंगस्टन की, ये होती है फ्रेंड्स टंगस्टन की। तो इस तरह के जो मटेरियल होते हैं, इसमें जब करंट पास होता है तो टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ इनकी कंडक्टिविटी बढ़ती है। आपने देखी होगी जब आप लाइट को स्विच ऑन करते हो तो पहले धीमी लाइट होती है, फिर धीरे 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 आपकी लाइट जो है वो बढ़ती जाती है। ऐसा क्यों है दोस्तों, कि टेम्परेचर आपका धीरे धीरे बढ़ रहा है, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टेंस मतलब होता है दोस्तों प्रतिरोध। देखिए रेजिस्टेंस इस तरह से आप लिखते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है फ्रेंड्स, इसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रतिरोध। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए ये टंगस्टन है, जब जब आप इसको जैसे जैसे आप इसको आप इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे, इससे इलेक्ट्रिसिटी जैसे इससे फ्रेंड्स पास होगी, तो इलेक्ट्रिसिटी पास होने की वजह से क्या होगा, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, और कंडक्टिविटी जो है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रपोर्शनल है। यहां पर लिखा हुआ देख लीजिए, ये लिखा हुआ है दोस्तों, कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू दी टेम्परेचर, मीन्स जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी कंडक्टिविटी बढ़ेगी फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे आपने देखा कि कंडक्टिविटी टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन है, कि वो टेम्परेचर आपका बढ़ रहा है कंडक्टिविटी बढ़ने के साथ साथ दोस्तों। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए हम इसमें बात करते हैं फिलामेंट की। फिलामेंट को दोस्तों हम हिंदी में बोलते हैं तंतु। अब देखिए दोस्तों, जैसे मैं हम बात कर रहे थे कि टेम्परेचर से क्या रिलेशन है आपकी कंडक्टिविटी का, रेजिस्टेंस का, दोस्तों जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है आपका क्या होगा, कंडक्टिविटी बढ़ती जाएगी दोस्तों, कंडक्टिविटी बढ़ती जाएगी। लेकिन दोस्तों कुछ फिलामेंट या फिर तंतुओं के मैंने एग्जांपल लिखे हुए हैं, जैसे टंगस्टन, नाइक्रोम, ब्रास, प्लेटिनियम, एचजी। दोस्तों जो आपका हीटर होता है वो जो उसमें आपकी स्प्रिंग होती है वो आपकी किसकी बनी हुई होती है, टंगस्टन की बनी हुई होती है। दोस्तों इन मटेरियल के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा इनका रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और रेजिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ इनसे हीट ज्यादा जनरेट होती है दोस्तों। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसमें क्या होगा, ये क्या होते हैं टंगस्टन, ये क्या होते हैं टेम्परेचर बढ़ाते हैं दोस्तों, टेम्परेचर बढ़ता है। और ये क्वेश्चन भी आता है कि हीटर में जो बनी हुई वायरिंग होती है, जो स्पाइरल स्प्रिंग होती है, वो आपकी किस मटेरियल की बनी हुई होती है दोस्तों, वो टंगस्टन की बनी हुई होती है। तो दोस्तों ये ऐसे तंतु हैं जिनका टेम्परेचर बढ़ाने पर दोस्तों आपकी कंडक्टिविटी बढ़ती है। फ्रेंड्स आप देखिए सॉलिड इंसुलेटर, इंसुलेटर जैसा मैंने आपको बताया, इंसुलेटर वो होते हैं जो आपके अंदर से करंट को पास नहीं होने देते हैं फ्रेंड्स, उन्हें इंसुलेटर कह लीजिए या बेड कंडक्टर कह लीजिए फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए आप वो जो इंसुलेटर होते हैं वो भी तीन तरह के होते हैं दोस्तों, सॉलिड इंसुलेटर, लिक्विड इंसुलेटर और गैस इंसुलेटर। जी हाँ दोस्तों, इंसुलेटर लिक्विड भी होते हैं दोस्तों, जो अपने अंदर से करंट को पास नहीं होने देते हैं। सॉलिड इंसुलेटर के मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखे हुए फ्रेंड्स, एस्बेस्टस, एम्पायर क्लोथ, बिटुमेन, माइका, बेकेलाइट, वुल्केनाइज्ड रबर। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह से आता है, वो क्या देगा आपका एस्बेस्टस क्या है, आपका कंडक्टर है, सेमी कंडक्टर है, या फिर आपका गुड कंडक्टर है, वो इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेगा, आपको बताना है कि ये क्या है, इंसुलेटर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको याद रखना है सॉलिड इंसुलेटर क्या है, एस्बेस्टस, एम्पायर क्लोथ, बिटुमेन, माइका, बेकेलाइट, वल्केनाइज्ड रबर एटसेट्रा। तो ये क्या फ्रेंड्स, ये हैं आपके आपके सॉलिड इंसुलेटर। अब लिक्विड इंसुलेटर भी देख लीजिए फ्रेंड्स, मिनरल ऑयल्स हो गया, सिंथेटिक हो गए, ये क्या आपके लिक्विड इंसुलेटर हो गए। दोस्तों जैसे आपका ट्रांसफार्मर होता है उसके अंदर जो कॉइल्स होती हैं उनके बीच में ऑयल आपका फिल होता है, वो ऑयल क्या होता है आपको उनको कूलिंग कॉइल का भी काम करता है, एज ए कूलेंट भी वर्क करता है, और वो इलेक्ट्रिसिटी को पास होने भी नहीं देता दोस्तों। तो उसके अंदर हम एक ऑयल भरते हैं जिसको ट्रांसफार्मर ऑयल भी बोलते हैं, वो क्या होता है आपका लिक्विड इंसुलेटर होता है, जो कि कूलेंट का भी काम करता है और आपका लिक्विड इंसुलेटर का भी काम करता है, फ्लो ऑफ करंट को रोकता है दोस्तों। गैस इंसुलेटर दोस्तों आपकी एयर जो है वो इंसुलेटर है, हाइड्रोजन हो गए, नाइट्रोजन हो गए एक्सेट्रा, ये क्या है दोस्तों आपके गैसेज इंसुलेटर है। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में दोस्तों बताया, ये क्या है स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है दोस्तों, जिनका मैग्नीट्यूड तो होता है बट डायरेक्शन नहीं होती है, वो होती है दोस्तों स्केलर क्वांटिटी। ठीक है फ्रेंड्स, और जो आपको बताया कि इलेक्ट्रिक करंट क्या हो गया दोस्तों, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, यानी इलेक्ट्रॉनों का बहना ही आपका क्या है करंट है, और ये फ्रेंड्स नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आपके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं फ्लो होते हैं दोस्तों।
आज के लिए दोस्तों इतना ही, बाकी इसका जो पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इलेक्ट्रिसिटी को कंटिन्यू करेंगे दोस्तों। अगर आपको मेरा लेक्चर, मेरी क्लास पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।